हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी मनीषा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं आलू और भिंडी की सब्ज़ी। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जीरा का फ्लेवर अच्छा लगता है, हम हर सब्ज़ी में जीरा डालते हैं। बहुत लोग जीरा नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मुझे जीरा पसंद है, इसलिए मैं हर सब्ज़ी में जीरा डालती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन डाल दी और हरी मिर्च डाल के इसको इसका छौंक लगा ले रहे हैं। इसको पकने के बाद थोड़ा सा फिर उसके बाद भिंडी डाल देना। इसको अच्छे से भिंडी को चला के फिर उसके बाद ढक देंगे, थोड़ा सा भाप से ये नरम हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको खोल देंगे। फिर इसको खोल के चला लेना। तब तक इधर मैं आलू भी छीन के रख ली हूँ आलू डालने के लिए। पतिदेव को सादी भिंडी अच्छी नहीं लगती, मुझे तो अच्छी लगती है, पतिदेव को नहीं अच्छी लगती है। नैन्सी को भी इसी में से खिला देते हैं तो थोड़ा सा आलू ज़्यादा रहता है तो खा लेती है, हरी सब्ज़ी भी थोड़ा बहुत मिला के, नहीं तो नहीं खाती है वो। इसको अब खोल के पकाएंगे भिंडी को, जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद आलू डालेंगे। आलू तो जल्दी से ही पक जाता है। तब तक मैं इधर आलू को भी काट ले रही हूँ। अब देखिए ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, उसके बाद मैं इसमें आलू डाल के और हल्दी डाल के फिर उसको चला के थोड़ा सा आलू को भी ढक देंगे। अब देखिए हमारी भिंडी की सब्ज़ी पक के तैयार हो गई है। इसमें अब नमक डाल के फिर एक मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि नमक डालने के बाद भिंडी पानी ना छोड़े, फिर ये फ्रेश फ्रेश लगेगी। अब नमक डालने के बाद बस एक मिनट तक इसको तेज़ आंच पे पकाए। देखिए मेरी भिंडी की सब्जी बनके तैयार है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Oh,